दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाने वाले हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कितना इजी है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किरणों OA, OB, OC, OD तथा OE का अंश अंत उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कोण AOB, BOC, COD, DOE और EOA बराबर 360 डिग्री होगा। ये हमारे पास फिगर दिया गया है, यानी चित्र दिया हुआ है। यानी मुझे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, तो मुझे सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है कि ये सब कोण मिलकर आपस में 360 डिग्री के बराबर हैं। यानी यहाँ पर O है, ये एक बिंदु O पर है और इधर से ये सारी किरणें हैं AB, CD, E, ये सब किरणें हैं। अगर इन सबको आपस में जोड़ा जाए तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है, अगर एक लाइन और इधर को मिल जाए तो ये जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये वाली जो लाइन होगी, जब हम सीधी यहाँ पर लाइन बनाएंगे तो ये 180 डिग्री की हो जाएगी, क्योंकि सरल कोण बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इस तरह से, और इसको लिखेंगे, ये जो है ये हो जाएगी हमारी F, इसको हम मान लेते हैं F। ये तो ये एक सीधी रेखा यानी सरल कोण बन जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने इसको बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, उसके लिए मुझे यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं रचना, बिंदु OF, ठीक है, या किरण OA को बिंदु F तक पीछे की ओर बढ़ाने पर। तो हमने किरण OA को पीछे की ओर बढ़ाया है F तक, तो बिंदु F तक पीछे की ओर बढ़ाने पर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है, ये तो ऊपर के कोण को हम पहले लिख लेंगे, कोण FOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOA बराबर 180 डिग्री सरल कोण। ये सरल कोण है, इसलिए FOC, COB और BOA 180 डिग्री के बराबर होंगी। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर देखेंगे, अब मुझे इधर देखना है
कि एफ ओ और ए यानी इस लाइन में इधर, तो इधर हो जाएगा एफ ओ डी और ओ डी ई और ओ ई ए, इनको भी जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब इसको लिखना है एफ कोण एफ ओ डी, एफ ओ डी प्लस कोण ओ डी ई, ओ डी ई प्लस कोण ई ओ ए, ई ओ ए बराबर 180 डिग्री। ये भी यहाँ पर हो जाएगा सरल कोण। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, सरल कोण, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कोण एफ ओ सी, एफ ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण एफ ओ डी प्लस कोण एफ ओ डी, एफ ओ डी प्लस कोण ओ डी ई प्लस कोण ओ डी ई, ओ डी ई प्लस कोण ई ओ ए, ई ओ ए बराबर 180 प्लस 180, इधर इन दोनों को जोड़ लेंगे। इधर इन दोनों को जोड़ लिया इस साइड में, और दूसरी साइड में 180 प्लस 180 को जोड़ लिया। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो मैंने लाइन यहाँ पे खींची है, ठीक है, तो सी ओ एफ या ये कहें एफ ओ सी, एफ ओ सी और एफ ओ सी और एफ ओ डी ये बराबर हैं सी ओ डी के, एफ ओ सी और एफ ओ डी, एफ ओ सी और एफ ओ डी ये बराबर हैं किसके, सी ओ डी के। तो इन दोनों की जगह पर अब हम एफ ओ सी और एफ ओ डी की जगह पर सी ओ डी लिख लेंगे। तो इसका मतलब है एफ ओ सी और सी ओ डी, एफ ओ सी और एफ ओ डी देखेंगे। तो ये रहा हमारा एफ ओ सी और ये रहा हमारा एफ ओ डी, इन दोनों के प्लेस पे हम लिखेंगे सी ओ डी, सी ओ डी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर सी ओ डी के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल यानी कोण सी ओ बी, सी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए प्लस, अब इन दोनों की जगह आ जाएगा, इन दोनों की जगह सी ओ डी, कोण सी ओ डी प्लस कोण ओ डी ई, ओ डी ई प्लस कोण ई ओ ए, ई ओ ए बराबर इनको जोड़ लेंगे दोनों को 360 डिग्री। यही मुझे सिद्ध करना था। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए ओ बी बी ओ सी, यहाँ पर ए ओ बी है, ए ओ बी यानी बी ओ ए भी लिख सकते हैं इसको, तो ए ओ बी हो गया, सी ओ बी यानी बी ओ सी हो गया, और सी ओ डी ये हो गया, और डी ओ ई और ई ओ ए ये हो गया बराबर 360 डिग्री। तो ये यहाँ से सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम।